हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे निशा गोल्डन ब्लाउंडेड हेयर कलर से आप अपने बालों को कैसे गोल्डन कलर दे सकते हैं। और काफ़ी सस्ता होता है ये, अफोर्डेबल प्राइस में होता है और घर पर ही हम इजीली अपने बालों को कर सकते हैं कलरफुल। तो आज हम आपको बताएंगे इस कलर का रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निशा कंपनी काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, इसके और हेयर कलर पाउच भी आते हैं और इसकी मेहंदी कोन भी आते हैं। काफ़ी अच्छा ब्रांड है ये और ये कलर भी काफ़ी अच्छा है, सस्ता है, अफोर्डेबल प्राइस में है। मार्केट में पहले काफ़ी महंगे आते थे तो पैसों की वजह से लोग नहीं अपने बाल कलर करवा पाते थे। तो ये इसकी MRP 30 रुपये का। ये आपके ब्लैक बालों को गोल्डन कर देगा बिफोर और आफ्टर। जब भी आप अपने बालों पर हेयर कलर लगाएं तो अपने बालों को शैम्पू से अच्छी तरीके से वॉश कर लें और अपने बालों को पूरी तरीके से ड्राई कर लें, उसके बाद ही ये हेयर पैक लगाएं। तो यहाँ पर हमने इसे खोल लिया है। इस पैकेट में हमें ये रहा डेवलपर और ये रहा क्रीम और एक मैनुअल है। तो इस पाउच में हमें तीन सामान मिलते हैं। ये मैनुअल है, इसे पढ़कर ही हमें अपने बालों पर कलर करना है। सारे इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हुए हैं। पहले आप अपने बालों पर टेस्टिंग करिए, अगर आपके बालों पर ये सूट होता है तब उसके बाद आपको इसको अप्लाई करना है। ये है निशा क्रीम और ये है डेवलपर। ये काफ़ी सस्ता है जो हम अपने बालों को गोल्डन लुक दे सकते हैं। और इसको हमें केवल कांच की या प्लास्टिक बाउल में ही घोलना है, मेटल का नहीं लेना है। इस कलर से आप अपने बालों को फुल कलर भी कर सकते हो। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग एक या दो पाउच ले सकते हो। अगर आपको अपने बाल हाईलाइट करना है तो आप हाईलाइट भी कर सकते हो। काफ़ी अच्छा कलर आता है इसका, आपके बालों को गोल्डन लुक दे देता है। वैसे नॉर्मली गोल्डन कलर काफ़ी महंगे आते हैं, रेड कलर और ब्लैक ब्राउन ये सस्ते आते हैं, मगर ये गोल्डन कलर काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है। फिर इन दोनों क्रीम और डेवलपर को इस कांच की कटोरी में हमें निकालना है। ये थोड़ा लिक्विडी होता है और क्रीम थोड़ी क्रीम जैसी ज़्यादा लिक्विडी नहीं होती है। तो इन दोनों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि हमारा ये दोनों क्रीम और जो डेवलपर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और बालों में अप्लाई करना है आपको 30 मिनट तक। अगर आप अपने बालों पर हाईलाइट करना चाहते हैं तो हाईलाइट भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट